की कौन सी चीज शर्त है, मार शर्त है या डिग्रियां शर्त है या हरमत शर्त है या सल्तनत शर्त है या कोठियां शर्त है, सारी शर्त है। दुनिया की किसी कोई चीज़ अल्लाह की जो है ना वो रजा के लिए सबब और शर्त नहीं है। अल्लाह वाहिद ने जलाल को राजी करते हैं कि जो शर्त है वो आमाल, आमाल जो ईमान और आमाल वाली जिंदगी अपनाएगा ना जी, अल्लाह पाक उसको कामयाब, उसको कामयाब। तो दोस्तों कामयाबी कैसी, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी। दुनिया के अंदर लोग जो है वो मुकाबले करते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं कभी नाकाम हो जाते हैं। इसने अल्लाह को राजी किया, इसने अल्लाह को राजी किया और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को उसने जो है वो उसके ऊपर अमल किया, अल्लाह पाक उसको कामयाब करेंगे और ऐसी कामयाबी देंगे जिसके बाद नाकामी नहीं है, जिसके बाद नाकामी नहीं है। वो कामयाबी क्या है, वो जन्नत। अब वो एक सहाबी हज़रत हराम रज़ी अल्लाह अन्हु, अब उनको एक काफ़िर ने शहीद किया। वो जब शहीद हुआ और नैज़ा उनके आर-पार हुआ तो वो कहने लगे फ़ुस्तु व रब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हूँ। अब वो काफ़िर बड़ा हैरान परेशान कि यार मैंने इसको कत्ल किया, शहीद किया और शहीद होते हुए ये कह रहा है कि मैं कामयाब हो गया, कसम खा के बोली कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हूँ। अब बाद में जब वो खुद मुसलमान हो गए फिर उन्हें पता लगा कि कामयाबी क्या थी, वो कामयाबी जन्नत का है। और जन्नत अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक दी। हम देखते हैं कि जो आदमी जितना दुनिया के अतबार से आगे होता है उसी अतबार से अपना घर रहन सहन वो बनाता है, उसी हिसाब से मेहमान होकर इकराम करता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को कायनात का जो है वो सदर है, कायनात का पालने वाला। अब उसने जो मेहमान खाना बनाया वो अपनी शान निशान है, हमारी शान निशान है, अपनी शान निशान है। तो उस जन्नत उसने अपनी शान निशान निशमाया कि जब जन्नत वाले जन्नत के सामने पहुँचेंगे तो जन्नत के दरवाजे को जब देखेंगे, जन्नत के दरवाजे को देखेंगे वो ऐसा खूबसूरत होगा कि 8,000 साल से उसके दरवाजे को देख रहे हैं, 8,000 साल सिर्फ उसके दरवाजे को देख रहे हैं। और फिर जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, जन्नत का दरवाजा खुलेगा और जन्नत में दाखिल होंगे। अब जन्नत में जब दाखिल होंगे तो अल्लाह पाक के लिए शान होगा क्योंकि मेहमान खाना, मेहमान खाना। अब वहाँ पर अल्लाह पाक ने उनको पहला खाना खिलाएंगे, जो पहला खाना खिलाएंगे उसमें 80,000 किस्म के खाने, तो वैरायटी की 80,000 किस्म की वैरायटी होगी उस दस्तरखान पे, जो जन्नत वालों का पहला इकराम अल्लाह की तरफ। और फिर वो खाएंगे जितना मर्जी खाएं, जन्नत जितना मर्जी खाएं, ना बदहजमी और ना ही पेशाबा खाने का चक्कर। क्या होगा, जितना मर्जी खाओ जितना मर्जी पियो एक नगार आएगी खुशबूदार, उस नगार में खुशबू होगी कि खुशबू की उस जैसी खुशबू पूरी जो है ज़मीन में उसको नहीं मिलती। या फिर पसीना आएगा, पसीना भी है।